अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अलिशबा किचन व्लॉग। मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग के 5 o'clock हो रहे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास नल खुल जाता है मॉर्निंग में ही, तो यहाँ पे मैंने पानी भर दी थी घड़ों में, अच्छे से धो के घड़े धो के मैंने पानी भर दी थी। फिर साथ ही मैं यहाँ पे कपड़े भी वॉश कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, अजान हो गई है, अब हम नमाज पढ़ लेते हैं, फजर की नमाज। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज है हमारे पास नल का दिन, तो उस दिन मैं नल के दिन के दिन मालूम मैं कपड़े भी धो लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद मालूम वॉशरूम भी क्लीन कर लेती हूँ, फिर किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, फिर घर भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ मैं। पानी डाल के यहाँ पे मैं अच्छे से डीप क्लीन कर रही थी मैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अब आ गई मैं किचन में, तो यहाँ पे बॉईल करे हुए आलू थे, ऑलरेडी मैं बॉईल करके रख ली थी, तो इसका हम छिलका उतार लेंगे। टाइम हो रहा 7 o'clock, अब्दुल खालिक को 7:30 तक जाना रहता, तो फटाफट से मैंने आलू छिल रही थी। यहाँ पे आलू छिलना भी कंप्लीट होगा, फिर चॉप करके भी रख ली ग्रीन चिल्ली को, फिर तो करियापाक को भी मैं उसमें ही चॉप करके डाल लिया था मैंने। तो यहाँ पे अब एक कड़े रख लूँगी, फिर यहाँ पे स्पाइसेस भी है। एक दिन आप लोगों को मालूम ये रेसिपी, फुल रेसिपी आप लोगों को फुर्सत से मैं आप लोगों को शेयर करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि खट्टी दाल के साथ तो बहुत टेस्टी होती है ये रेसिपी, तो खट्टी दाल हो या नहीं तो रोटी के साथ बहुत टेस्टी होती है। तो मैं बच्चों को वेरायटी वेरायटी बना के देती हूँ, ऐसा आप लोग एक बार आप लोग आलू फ्राई करके आप लोगों के बच्चों को खिलाएंगे ना, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, और मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर में जिद करते कि यही होना बोल के, तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर दिया, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करके, फिर नेक्स्ट टाइम मैं पूरी रेसिपी प्रॉपर मैं इसको अच्छे से आप लोगों को शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अब टाइम नहीं था मेरे पास, फटाफट से यहाँ पे काम कर रही हूँ, एक हाउसवाइफ के लिए घर के पूरे काम करना, फिर बच्चों का भी काम करना बोल तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, फिर भी कर लेती है, सबको रेस्ट मिल जाता। फोर आवर्स मालूम काम ही रहता, आप लोगों को भी होता होगा ऐसा, मगर मेरे को जो नल का दिन जो रहता ना, उस दिन तो ऐसा लगता कि मेरे को दीवानापन एकदम क्या। इधर कपड़े वॉश करती हूँ, इधर वॉशरूम करना है, इधर फिर किचन को भी साफ करती हूँ, फिर हाल को, फिर ये पूरे फिर रूमों को भी साफ करना रहता, फिर वॉश भी करना रहता ऐसा। उस दिन मालूम मैं थोड़ा सा मालूम बहुत बिजी हो जाती, एकदम बिजी हो, बहुत थक भी जाती मैं। तो यहाँ पे आलू देखो अच्छे से ब्राउन कलर में हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं ऐसा ब्राउन करना। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, रेड चिल्ली पाउडर है ये, क्योंकि पास्ता मसाला है, जीरा पाउडर है ये, ये मालूम चाट मसाला है, फिर हल्दी हल्दी पाउडर है ये, क्योंकि धनिया पाउडर है ये, यहाँ पे स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे हरा धनिया भी ऐड करेंगे, तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक है। देखिए तो बच्चे ऐसा बनाते ना तो अच्छे से माशाल्लाह अच्छे से खा लेते भी, तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक है। आलू फ्राई हो गया है, तो बच्चे रोटी के साथ, पराठे के साथ, फुलके के साथ जो भी बनाए ना उसके साथ आराम से खा लेते हैं, जिद भी नहीं करते हैं। माशाल्लाह आप लोग देखिए कितना प्यारा दिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारा आलू फ्राई तो हो गया है, अब हम फटाफट से रोटी हम बेल लेंगे, रोटी को भी सेक लेंगे,
ओके। चलिए हमारी रोटी एक कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको सेक लेंगे। चलो अब्दुल खालिक, हेलो 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 हेलो, टाइम हो रहा है ना? तो रोटी बनाना हमारा हो गया है, अब अब्दुल खालिक का लंच पैक करूंगी। चलो लंच भी तैयार है, देखो रख दो पेट में, जरा तो कम है। मलिक भी सो रहे हमारे, उठो जल्दी जल्दी उठो, ब्रश करना है, ब्रश करना है, उठो उठो जल्दी, स्कूल जाना है ना। तो टाइम हो गया था 7:30, तो अब्दुल खालिक स्कूल चले गए, उसके बाद मलिक उठे थे, मलिक दूध को गए। जल्दी लाओ जल्दी लाओ, दूध ला रही है अम्मा मेरे। चलो चलो ब्रश निकाल के दो, चलो ब्रश कर लो, लो ब्रश दो। कौन सा वाला है, कौन सा ब्रश है, कौन सा ले लो, पिंक है, पिंक कौन सा है, नहीं है ना पिंक, पिंक है, लो पिंक, पिंक ही है ना ये। ले लो अच्छे से मुंह धो लो, मैं रोटी डाल दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों को रेडी कर रही थी, यूनिफॉर्म पहनाना, जूता पहनाना इन लोगों के, फिर इन लोगों को बालों को ऑयलिंग भी लगाना, फिर पाउडर वगैरह सब लगाना, इनको तैयार करने में लेट होता है, खुद ब खुद नहीं करते हैं, छोटे हैं ना बहुत। तो फिर भी एक आध टाइम मलिक कर लेते, मगर राजिक को नहीं आता अभी, तो राजिक को तो करना है, पूरा करना पड़ता है उनको। मलिक भी रेडी हो गए हैं, राजीव भी रेडी हो गए हैं, इनको अब छोड़ के आना है स्कूल को। राजीव को तो छोड़ के आना रहता, मलिक का ऑटो आ जाता, जो बस में जाते थे ना पहले मलिक, तो अब नहीं जा रहे बस में। आओ चलो चलो, उनका ऑटो आता, चलो तुम घर पे, घर में बैठो, अभी ऑटो वाले आते तब जाना है, घर में बैठे तुम चलो पहले चलो। हाँ हाँ तुम चलो, तुम चलो, आ जाओ चलो चलो, जल्दी जल्दी करो, टाइम हो गया, चलो हाँ चलो भैया जाते हो ना, खुद ब खुद जाते हैं, आ जाओ। राजिक को छोड़ के आने के बाद मैं मूंग की दाल मेथी की भाजी का सालन बनाया था, फिर उसके बाद जवारी की रोटी भी बना ली हस्बैंड के लिए, मेरे लिए, फिर हस्बैंड का टिफिन भी, लंच भी पैक करना है मेरे को, ओके। और एक दो रोटी डालती मैं जवारी की रोज़ भी, एक हस्बैंड के लिए एक मेरे लिए डालती हूँ, कभी कभार उन्होंने ही खाते तो मैं एक ही रोटी जवारी की खा लेती हूँ मैं। यहाँ पे हस्बैंड का टिफिन अब पैक कर दूंगी मैं, लंच। सलाम करो अब, क्या
क्या बोलना चाह रहे थे? अभी आए स्कूल से? बोलो अस्सलाम वालेकुम। स्कूल आए? स्कूल से आए? स्कूल आए? स्कूल से अभी आए? बोलना अभी स्कूल आए। तो देखिए गैस, मेरा बेटा, छोटा बेटा ना, अभी स्कूल से आया हुआ है। ट्राइफर ना, ये बोलते इसकी सर्विस ख़त्म हो गई, मालूम ये ख़राब हो गया है, दूसरा मंगाना है मेरे को। नहीं नहीं नहीं, खेलने की चीज़ नहीं है, जब तक तो चलाना है टेम्परवरी। नहीं नहीं नहीं, खेलने की चीज़ नहीं है ये, तुम खाना खा लो। जो नहीं खाना खा लो। फोन दियो। नहीं फोन नहीं, फोन देते नहीं देते फोन। इवनिंग की 5:30 हो गए, यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म कर रही हूँ, फिर यहाँ पे शामी के लिए मैं दाल गला रही मैं अब यहाँ पे। तो अब हम इवनिंग की चाय भी बन गई हम लोगों की, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इवनिंग की चाय बन गई। तो अब ये दाल गला लेने के बाद फिर मैं शामी भी थोड़ा शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चिकन शामी बनाएंगे आज। फ्रेंड्स, रात की 9 बज गए, डिनर अभी तक अभी नहीं बना अभी हमारा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चिकन की शामी कबाब बना रही हूँ, फिर यहाँ पे मैं फ्राई कर लूँगी, सेलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट बार इसमें फ्राई कर रही हूँ, अभी तक लाए जब से मैं इसमें फ्राई नहीं करी हूँ। देख मैं कैसे फ्राई होतेगी इसमें, पहले तो एक देखेंगे दाल के, उसके बाद ये फ्राई होने के बाद देखेंगे ये कैसे फ्राई होते हैं। अभी तक तो मैं फ्राई नहीं करी अभी इसमें। तो फ्रेंड्स, एक एक से दाल के ही मैं फ्राई करूँगी, इसको साइडों से रख दूंगी ऐसा। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ये मिट्टी के ना, ये कड़े में फ्राई करना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो मेरे हस्बैंड लाए, ये ला के भी ये 3-4 मंथ्स हो गया, मगर मैं अभी तक मानो इसमें फ्राई नहीं करी। माशाल्लाह बहुत प्यारा दिखा, देखने में भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। चलिए, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।